आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे तुर्किश की मशहूर और खूबसूरत अदाकारा दिलन दोगर की असल जिंदगी के बारे में कि ये असल में कौन है, क्या करती हैं और किस फैमिली से बिलोंग करती हैं। दिलन दोगर एक तुर्क अदाकारा है जो इस वक्त हम टीवी पर नशर होने वाला ड्रामा सीरियल सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी में सुरैया का बेहतरीन किरदार प्ले कर रही है। इनके पास एक अहम किरदार है जिसमें वो अयूबी खानदान के क्याम में कलीदी किरदार अदा कर रही है। ड्रामा सीरियल सलाहुद्दीन अयूबी दिलन दोगर के किरदार को बेहद पसंद किया जा रहा है और इनकी अदाकारी को सराहा जा रहा है। इनके फैंस इनकी अदाकारी और खूबसूरती से मुतासिर होकर दिन ब दिन लाखों नहीं बल्कि करोड़ों में बढ़ रहे हैं। तो इनको ऑन स्क्रीन देखने वाले इनके फैंस की ख्वाहिश होती है कि वो इनकी असल जिंदगी के बारे में भी जाने के वो असल जिंदगी में कैसे रहते हैं और क्या करते हैं। तो इनके बारे में मुकम्मल तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को बगैर स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। लेकिन अगर आप भी दिलन दोगर के फैन हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। हर इंसान अपनी मेहनत से आगे बढ़ता है, इसीलिए हम आपके साथ दिलन दोगर की मेहनत और करियर की पीक पर पहुंचने के राज शेयर करने वाले हैं। ड्रामा सीरियल सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी में सुरैया के नाम से किरदार निभाने वाली इस खूबसूरत अदाकारा का असल नाम दिलन दोगर है और ये प्रोफेशन के लिहाज से एक तुर्किश एक्ट्रेस और मॉडल है। दिलन दोगर की बायोग्राफी की बात की जाए तो ये 22 फरवरी 1995 को तुर्की के शहर दियारबकर में पैदा हुई थी और 2024 के लहाज से इनकी उम्र 29 इयर्स यानी के 29 साल की हो गई है। इनकी नेशनैलिटी तुर्की है और ये एक फेमस टीवी एक्ट्रेस और मॉडल होने के साथ साथ सोशल मीडिया स्टार भी हैं, जहां पर ये अपने मदाहों के साथ अपनी डेली रूटीन के साथ कुछ तस्वीर भी अपने मदाहों के साथ शेयर करती रहती है जो की इस वक्त आपकी स्क्रीन पर भी मौजूद है। अब बात कर लेते हैं दिलन दोगर के शोबिज करियर के बारे में। तो इन्होंने 2020 में अपने शोबिज करियर का आगाज एज अ मॉडल किया था और तुर्की के बड़े बड़े ब्रांड्स के लिए फोटोशूट करवाती हुई नजर आती हैं। और उसके बाद इन्होंने तुर्की ड्रामो में अपना मकाम हासिल करने के लिए मेहनत स्टार्ट कर दी और 2021 में एक्स स्कीम में अपनी शानदार अदाकारी के जौहर दिखाए। और उसके बाद 2022 में इन्होंने अपना अगला प्रोजेक्ट किया जिसका नाम गुड नाइट सोल्जर था, जिसमें इन्होंने अपनी सलाहियतों का भरपूर मुजाहिरा किया। और उसी साल 2022 में इन्होंने एक और शो ओकिस में भी अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। और उसके बाद इन्होंने सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी जैसे एक मशहूर टीवी शो में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए और अब ये तुर्किश एक्ट्रेसेस में अपना एक अलग ही मकाम रखती हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का ड्रामा सीरियल तुर्किश जुबान में नशर किया गया था, लेकिन इनके पाकिस्तानी फैंस की डिमांड पर पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल हम टीवी ने ड्रामा सीरियल सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को उर्दू डबिंग में अपने चैनल पर नशर किया है, जो कि इस वक्त सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर शो बना हुआ है। और इनके फैंस की तादाद न सिर्फ तुर्की बल्कि भारत और पाकिस्तान के अलावा हर उर्दू समझने वाले बरूनी ममालिक में भी बढ़ रही है। वीडियो को मजीद आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। अब बात कर लेते हैं दिलन दोगर के फिजिकल स्टेटस के बारे में। तो इनकी हाइट 5 फीट 6 इंच है जबकि इनका वेट 58 केजी है। इनकी स्किन का कलर फेयर और आईज कलर ब्लैक है। अब बात कर लेते हैं दिलन दोगर की फैमिली के बारे में। तो इनकी फैमिली को कभी भी सोशल मीडिया पर नहीं देखा गया। इनके मैरिटल स्टेटस की बात की जाए तो इनकी शादी अभी तक नहीं हुई और ये सिंगल हैं। अब बात कर लेते हैं दिलन दोगर की सैलरी के बारे में। तो ये एक तुर्किश सीरीज को करने का 1 करोड़ के लगभग चार्ज कर लेती है और तुर्की के बड़े बड़े ब्रांड को इंडोर्स करके भी ये लाखों करोड़ों रुपए कमा लेती है। अब बात कर लेते हैं इनकी नेटवर्थ के बारे में। तो इनकी टोटल नेटवर्थ तकरीबन 15 to 20 million US dollar बनती है। आप लोगों को दिलन दोगर की असल जिंदगी के बारे में जानकर कैसा लगा और इनके अदाकारी और खूबसूरती के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और मेरे चैनल डिजिटल सेलिब्रिटीज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।